आपको क्रोलबाग का एक्सपीरियंस कैसा लगा? मेरी वीडियो देख के तो नहीं आए हो मेरे शॉप पे, इनसे वो दोनों मेरे साथ बैठे तो कैसे फॉर्च्यून एम्बुलेंस इसलिए डाला। हमारे स्पीकर्स जो है इसमें ऑलरेडी सारे फिट हो गए हैं, मेरे पास फॉर्च्यूनर भी आई हुई है जिसमें ऑलरेडी काम हुआ था। सो गाइस सामान मैंने सारा निकाल के रख दिया है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा डैम्पिंग का, अभी चल रही है क्रेटा फेसलिफ्ट। आपको पता है मैं एंड्रॉइड प्रमोट नहीं करता। गाइस हमारी ब्रांड न्यू क्रेटा बेस मॉडल आ चुकी है ऑडियो अपग्रेड होने, तो पहले मैं आपको दिखाया था कि गाड़ी का इंटीरियर हमारा कैसा है सारा। तो हमारी बेस मॉडल जो क्रेटा है वो इंटीरियर से ऐसे लगती है, जो कंपनी से इसमें कुछ नहीं आया, बट मैंने उन्हें सोनी रेकमेंड किया था तो हमें बजट कांस्टेंट भी रखना है, तो अभी वो कह रहे भैया सोनी नहीं एंड्रॉइड लगाऊंगा, तो उन्होंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। आपको पता है मैं एंड्रॉइड प्रमोट नहीं करता क्योंकि क्वालिटी आउटपुट जो है वो सोनी में आती है, बट हाँ मैंने उनको एंड्रॉइड शीरो के साथ अपना जो फोर चैनल एम्पलीफायर सपोर्ट रिकमेंड करा है, तो हम फोर चैनल एम्पलीफायर के साथ हमारे स्पीकर्स रन करेंगे। ये देखो जो हमारी पूरा अनरैप हो रहा है, प्रॉपर डोर खोलेंगे क्योंकि साउंड प्रूफिंग करनी है। पीछे भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, तो देखो हमारी पीछे प्लास्टिक जो डैम्पिंग कंपनी से आती है, पूरी गाड़ी अभी ब्रांड न्यू है। प्लीज अभी पूरा बैठे थे तो लास्ट में एक क्लाइंट से रिव्यू भी लेंगे। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका कोर सिंह फ्रॉम जैंक्स कारवर। तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा सबकी फेवरेट करंट जो गाड़ी चल रही है क्रेटा फेसलिफ्ट, तो वो मेरे पास आ चुकी है ऑडियो अपग्रेड होने। तो काफी अच्छा इसमें मैं सेटअप इंस्टॉल कर रहा हूं। जो मेरे पास क्लाइंट्स थे, जो मेरे क्लाइंट है वो सुबह आए थे मेरे पास मॉर्निंग में, उन्होंने प्रॉपर सेटअप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताई, मैंने उनको समझाया, उन्होंने टाइम लिया, फिर वो प्रॉपर दोबारा गए अपनी गाड़ी लेने, फिर अब मेरे पास आ चुके हैं। तो गाड़ी जो है मेरे वो सामने खड़ी है, आप देख सकते हो काम होना उसमें चालू हो गया है, एज मैंने आपको दिखा दिया है कि उसमें मैं क्या सब काम करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज गाइस, आपको पता है कि पूरी रिक्वायरमेंट पूछ के ही मैं सेटअप उनको सजेस्ट करता हूँ, तो मैंने सामान निकाल लिया है। पहले चलते हैं गाड़ी की तरफ, आप गाड़ी देख लो, पूरी अनबॉक्स कर दी है मैंने, अनलोड कर दी है, पैनल स्टोर वगैरह सब खोल दिए हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेप होता है हमारा डैम्पिंग का। तो क्या सेटअप लगा रहा हूँ आपको सामान दिखाता हूँ। सो गाइस सामान मैंने सारा निकाल के रख दिया है, इसमें फिलहाल हम बात करता हूँ स्पीकर्स की। तो हम एरीज के एसके 6.20 लगा रहे हैं विद एम्पलीफायर लगा रहे हैं। आपको प्लग इन प्ले में तो मैं हमेशा सुना देता हूँ, तो आज एम्पलीफायर के साथ भी सुना दूंगा कि कैसी आउटपुट आती है। साथ में लगा रहा हूँ अपनी सीटी के की टॉप ऑफ द लाइन डैम्पिंग कॉम्बिनेटर जो हम इसमें यूज कर रहे हैं, आपको होता है सबसे बेस्ट इन क्लास है। तो गाइस हमारा जो क्लाइंट है उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि भैया अभी मुझे चाहिए इन कैबिन क्वालिटी आउटपुट विद मीडियम मिड पास एंड वोकल ट्रेबल्स बिल्कुल क्लियर एंड सॉफ्ट, क्योंकि उनको लाउड नहीं चाहिए। लाउड में जाना होता आपको पता है डीडी और ग्राउंड जीरो ही मैं उन्हें रेकमेंड करता। तो फिलहाल मैंने ये सेटअप सारा उनको तैयार कर दिया है, तो अभी चलते हैं गाड़ी की तरफ। डैम्पिंग का काम शुरू हो गया, फिर आएंगे अंदर और आपको अनबॉक्सिंग करके भी दिखा दूंगा सामान की कि इसमें जो सामान लगा रहा वो दिखता कैसा है। मेरे पास फॉर्च्यूनर भी आई हुई है जिसमें ऑलरेडी काम हुआ था, तो इसमें हम थोड़ी बहुत मैंने अपग्रेडेशन करी है, तो फिलहाल मैंने ग्राउंड जीरो की डैम्पिंग कर दी और इसमें दो पेयर लगा रहा हूँ कॉम्पोनेंट और साथ में कन्वर्टर और एम्पलीफायर यूज कर रहा हूँ डीडी ऑडियो का। तो इसके अंदर ऑलरेडी काम हुआ हुआ था तो उनको आवाज़ में मज़ा नहीं आ रहा था, तो हमने कहा चलो इसमें भी ऑडियो अपग्रेड कर देते हैं। तो अब जिसमें सेटअप जो लगा रहा हूँ वो भी आपको बताता हूँ। गाइस आप देख सकते हो कि डैम्पिंग का काम इसमें हो गया कम्प्लीट और टू लेयर डैम्पिंग करी है, रेन गार्ड भी हमारे इंस्टॉल हो गए हैं इसके अंदर आराम से बढ़िया। तो अब हमारा काम चल रहा है, पहले स्टीरियो के अनरैप कर रहे हैं, स्टीरियो इंस्टॉल करेगा, स्पीकर आ चुके हैं गाड़ी में, तो जैसे स्पीकर इंस्टॉल होंगे वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। हमारे पीछे डोर भी आप देख सकते हो, यहाँ भी रेन गार्ड लगा दिया, प्रॉपर डैम्पिंग कर दी है सी टी के की डोमिनेटर, ये डोर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी एम्पलीफायर प्लेस होगा, वायरिंग का काम चल रहा है, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दूंगा। फॉर्च्यूनर कंप्लीट हो गई है, एरीज के इसमें कंपोनेंट इंस्टॉल करे मैंने एसके 6.20 और ये रहा हमारा 300.4 जो कॉम्पैक्ट मिनी एम्पलीफायर है, ये भी इसमें इंस्टॉल हो गया। तो अभी करेंगे गाड़ी ट्यून और आपको ऑलरेडी सारे फिट हो गए हैं। अब एम्पलीफायर की वायरिंग का काम चल रहा है, आप वो देख सकते हो, उधर भी हमारे स्पीकर फिट हो गए चारों डोर्स के अंदर, शीरो की वायरिंग भी हो रही है। एम्पलीफायर हम को ड्राइवर सीट के नीचे फिट कर देंगे, तो आपको जैसे ही सारा काम होता रहेगा धीरे धीरे सब दिखाता रहूंगा। इसके ना स्पीकर वगैरह लगा के ना डोर वोर पैक करके ना उसको छोड़ देंगे, ठीक है, फिर बैटरी निकाल के जब चल देंगे, ठीक है। सो गाइज फाइनली मेरी गाड़ी हो गई है तैयार और आपको मैं अब सुनाने लगा आउटपुट। तो हेडफोन्स लगा लेना, आपको पता है हेडफोन्स के बिना मजा नहीं आएगा समझ में। एंड्रॉइड सीरीज में मैंने यूज किया है क्योंकि क्लाइंट अपने एंड्रॉइड की रिक्वायरमेंट से लेके आया था साथ में ही, और उसके बाद मैंने इसमें फोर चैनल एम्पलीफायर इसलिए डाला क्योंकि एंड्रॉइड सीरीज में आपको पता है आउटपुट नहीं आती है। तो आपको मैं एक आउटपुट सुना रहा हूँ, तो आपको पता है अगर आपको पंजाबी आउटपुट सुननी है या फिर कोई भी मतलब पंजाबी सॉन्ग सुनना है तो आप मेरे शॉर्ट्स और रील्स आते हैं वो मेरे पेजेस पे, वहां जाके मुझे फॉलो कर लेना, वहां आपको मिल जाएंगे। अब आपको सुनाता हूं आउटपुट, आपकी बारी है।
तो गाइस फाइनली गाड़ी में मैं बैठा हूँ और आपको पता है कि वीडियो के एंड में कस्टमर रिव्यू लेना बहुत जरूरी है, तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो दोनों मेरे साथ बैठे हैं, तो पहले उनका नाम जानेंगे फिर करेंगे उनसे बातें। तो भैया पहले अपना नाम बताओ। मैं निखिल ठाकुर हूँ, मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ। और भैया आपका? आशीष। तो भैया मेरे को आप बताओ, जैसे आप मेरी वीडियो देख के तो नहीं आए हो मेरी शॉप पे? नहीं, मैं नहीं आया वीडियो देख। तो थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को बताओ कि आपने कैसे प्लान किया और मेरे से क्यों काम कराया। तो जैसे मैंने बेस मॉडल लिया था क्रेटा का, सो आई डिडंट हैव एनी स्टीरियो। ठीक है। तो मैं भाई के पास आया, भाई की मैंने शॉप देखी तो काफी कस्टमाइज्ड ऑडियो के हिसाब से ही थी, तो मेरे को चलो बात करते हैं। ठीक है। देन उन्होंने मेरे को काफी अच्छा गाइड किया कि आपको ये रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लैरिटी चाहिए, बेस चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन माय नीड्स। बहुत ही मेरे को एक अच्छा अफोर्डेबल एक सेटअप दिया ताकि अच्छी क्लैरिटी आई और साउंड गाने चलने के बाद भी इट वॉज वेरी करोल बाग में क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि सभी बुलाते हैं। करोलबाग में देखो काफी ज्यादा यहाँ पे आपको मिलेंगे आगे ब्रोकर्स वगैरह जिनके कमीशन सेटअप होते हो सकते होंगे, वो बुलाते हैं, बट क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिलते अंदर इतने ज्यादा अच्छे। तो इसलिए मेरे को, मैंने पर्सनली इसलिए शॉप जाके देखा, बट मेरे को भाई का सबसे अच्छा, जेंक्स भाई का काफी अच्छा रहा इसमें, तो मैं काफी बहुत ही अच्छा क्लैरिटी, बहुत ही टॉप नॉच, जो इनफैक्ट इसका नॉर्मल कस्टम स्टूडियो मैंने टॉप मॉडल में भी देखा तो उसका भी इतना अच्छा मेरे को नहीं लगा। दैट्स व्हाई मैं भाई के पास आया और मैंने देखा तो काफी अच्छा बेटर लगा, काफी साउंड, काफी वोकल्स, काफी अच्छी क्लैरिटी मुझे मिली। थैंक यू सो मच। मैं दोबारा भी आऊंगा दोबारा इसमें बेस ट्यूब वगैरह वो सब सेटअप करवाने के लिए, काफी अच्छा है इसमें। तो गाइस आपने देखा कि आपको लाइव रिव्यू मैंने ले दिया क्लाइंट्स का जो मेरे साथ बैठे हुए, और आपने सुन भी लिया उनके मुंह से कि करोलबाग में मैक्सिमम शॉप्स पे क्या हो रहा है और ब्रोकर्स उन्होंने रखे हुए हैं, लोग लिटरली बुलाते हैं कि भैया हमारे पास आओ हम आपको काम करके देंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होने लग गई हैं, उनके हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट जान के उनको एक सेटअप बना के दिया और उनको कम्प्लीटली सेटिस्फाई करा। अब उनकी कह रहे भैया मेरी बेस की रिक्वायरमेंट है, मैं फ्यूचर में इसमें वूफर भी अपग्रेड करूंगा। तो ऐसे ही जो बंदे क्रेटा प्लान कर रहे हैं बेस मॉडल या टॉप मॉडल या एनी मॉडल, तो फटाफट से आपको बता अगर ऑडियो अपग्रेड करना है तो कहाँ पे आना है, जैंक्स कार वर्ल्ड के ऊपर। तो ऐसे ही प्यार देते रहो, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और बिल्कुल शेयर कर दो अपने दोस्तों यारों में जिन्होंने बुक कराई हुई है और जो बुक कराना चाहते हैं। ऐसे ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।